इस कोरोना काल के समय में धनबाद जिले में स्पेशली बच्चों की पढ़ाई से लेकर के काफी हमारे शिक्षक सक्रिय रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे धनबाद जिला के शिक्षकों के द्वारा ई कंटेंट तैयार किया जाता था और उसको बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जाता था और ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई थी। उसमें शिक्षक कम से कम दो चार बच्चे जुड़ ही जाते थे, अधिक से अधिक 10-12 अरे बच्चे जुड़ते ही थे। और इस प्रकार से 100% तो नहीं, 50% से कम में भी हम लोग इस पर सफल रहे हैं। आपका जो ये इस नवाचार गतिविधि से यूनिवर्सिटी पाठशाला जो है आपका बहुत अच्छा है और आपका प्रयास का मैं सम्मान करती हूँ। और अरविंदो सोसाइटी का जो इस पर काम कर रहा है वो और अच्छा हो, हमारे बच्चों तक भी पहुँचे, मैं यही आशा करती हूँ कि इससे हमारे बच्चे भी लाभान्वित हो। रोल माने मॉडल विद्यालय, जो रोल मॉडल विद्यालय बनेंगे, ये प्रयास अच्छा रहेगा और इससे मुझे लगता है कि शिक्षक और बच्चे लाभान्वित होंगे। और इसके लिए हमारे स्तर से, सरकार के स्तर से भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको कि लीडर स्कूल के नाम से जाना जा रहा है। और इसके लिए सरकार भी काम कर रही है, आप भी अपने स्तर से जब इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं तो जहाँ तक है इसमें बच्चे केंद्र बिंदु, बच्चों को केंद्र बिंदु बनाकर, और बच्चे जो है जितना अधिक सीख सके ये हम लोग चाहेंगे, और बच्चों को उससे अपने जीवन में कितना पा सकेंगे। और मुझे लगता है कि शिक्षक भी इस प्रयास से काफी उत्साहित रहेंगे और हो सकता है कि आपके गाइडलाइन में हमारे शिक्षक के साथ साथ बच्चों को भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे शिक्षक जो हमारे बच्चों के लिए ही वो जुड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तभी हमारे शिक्षक हैं। तो मैं अभिभावकों को भी कहना चाहूंगी कि जो हमारा विद्यालय है, अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें, जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को वो करें, अभिभावक उनको सहयोग करें और स्वाध्ययन के लिए भी अभिभावक बच्चों को प्रेरित करें, ताकि विद्यालय में जो भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो घरों में भी उसे अपने स्वाध्ययन से पूरा कर सके और एक जो उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए वो प्राप्त कर सके और अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सके। यही मैं शुभकामनाएं करती हूँ।